नमस्कार, मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्तम दवे और आपका गुप्तंग का आकार वीडियो सीरीज़ में स्वागत है। आज हम लोग ये बात करेंगे कि सर्कमसिजन क्या होता है। अगर सर्कमसिजन को हम लोग हिंदी में कहें तो उसे हम लोग खतना कहते हैं। अब खतना करवाने के क्या फ़ायदा होते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला फ़ायदा ये होता है कि कुछ पुरुषों को बहुत ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग जाते हैं, यानी कि अगर कोई साफ सुथरे टॉयलेट में उन्होंने टॉयलेट नहीं की तो उसमें उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाती है, जो कि अगर आपकी लिंग पे जो अग्रज चर्म है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं या फोरस्किन कहते हैं, वो अगर आपके लिंग के ऊपर है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा एक कारण है क्यों लोग खतना करवाते हैं, उसका कारण ये है कि वो लिंग के कैंसर से बच सकते हैं, यानी कि जो पुरुषों के लिंग पे चमड़ी नहीं होती उन्हें पेनाइल कैंसर की संख्या कम पाई जाती है। तीसरा ये है कि अगर आपके लिंग की चमड़ी नहीं है, यानी कि अग्रचर्म नहीं है, तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी कि गुप्त रोग होने की संभावना भी कम हो जाती है। और चौथा कारण ये है कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अगर अपने लिंग के ऊपर जो चमड़ी है उसे पीछे नहीं कर सकते, खासकर जब लिंग सख्त अवस्था में हो, तो उसके लिए ये ऑपरेशन है जिसे हम लोग अंग्रेजी में ये कंडीशन को फिमोसिस कहते हैं। तो फिमोसिस को दूर करने के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, वो खतना यानी कि सर्कमसिजन करवाते हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, बहुत सारे धर्म में, कोई कोई धर्म में खतना एक धार्मिक कस्टम है और बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जिसमें खतना एक धार्मिक कस्टम नहीं है। तो आपको हमेशा कोई भी फैसला करने से पहले एक डॉक्टर के साथ साथ अपने धर्म के अनुसार आपके जो धर्म गुरु है उसकी भी आपको सलाह लेके काम करना ज़रूरी है, या उनसे राय या मशवरा ज़रूर लें। इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।